अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ मोहम्मद मुतीबुर रहमान और आप देख रहे हैं मुतीब टैग। दोस्तों आज की वीडियो YouTube से रिलेटेड है। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कमेंट को पिन कैसे करते हैं और कमेंट पिन करना होता क्या है, ये क्यों हम पिन करते हैं, इसका फ़ायदा क्या है, इसके नुकसान क्या हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स पे, व्यूज़ पे इस चीज़ का क्या असर पड़ता है। तो दोस्तों उसके लिए सबसे पहले हम जाएंगे YouTube ऐप में। ये हमने YouTube ऐप ओपन कर लिया। तो दोस्तों ये सामने मेरे एक इसका होम पेज ओपन हो गया है YouTube का। तो हमने कुछ भी नहीं करना, जस्ट जाना है सिंपल अपने चैनल में। तो ये हम अपने चैनल में आ गए हैं। तो दोस्तों इधर से मैंने कोई भी वीडियो अपनी ले लेनी है, लेट्स सपोज मैं इधर से अपनी सबसे पुरानी वीडियो लेता हूँ, हाउ टू मेक व्हाट्सएप स्टिकर, या उससे ऊपर वाली ये ले लेता हूँ कि जूम क्लाउड ऐप को कैसे इस्तेमाल करते हैं। ठीक, तो दोस्तों ये मैंने पास कर लिया है। तो ये वीडियो मैंने 1 वीक पहले अपलोड की थी, 33 व्यूज़ हैं इसके। तो ये देखें, अब इधर ये देखें, ये लोगों ने कमेंट किए गए हुए हैं, अ गुड एफर्ट, वाजिबा, कमाल, अ गिफ्ट बाय शकील वान। तो मतलब ये डिफरेंट कमेंट्स इधर उसे कहते हैं लोगों ने दिए हुए हैं। तो पिन कमेंट हमने किस तरह करना है, किस तरह हमने पिन कमेंट में जाना है, तो उसके लिए हम जाएंगे सिंपली, ये देखें, ऐड पब्लिक कमेंट में। ऐड पब्लिक कमेंट में जाना है हमने, कुछ भी इधर लिख देना है। लेट्स सपोज हम लिखते हैं, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस वीडियो फील फ्री टू आस्क। तो दोस्तों ये आ गया पिन कमेंट। ये इधर हम एक स्माइली डाल देंगे, अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा व्यूवर्स पे इसका। तो ये देखें, ये मुतीब टैग 1 सेकंड एगो इसने मतलब कमेंट कर दिया ये मैंने। तो अब इधर से जाना है, ये जहाँ ये 3 डॉट अपियर हुए हैं इस पर क्लिक करना है। ये देखें पिन आ जाएगा, फिर इधर दोबारा फिर पूछेगा कि पिन दिस कमेंट, पिन कर देना है हमने इधर। तो दोस्तों ये देखें, ये मेरा कमेंट पिन हो गया। तो ये जब भी मैं ये वीडियो ओपन करूँगा, ये मुझे कमेंट अपना टॉप पर शो होगा। कोई भी दूसरा व्यूवर, कोई भी दूसरा बंदा जो मेरे चैनल पे आता है, मेरी इस वीडियो को ओपन करता है, तो ये कमेंट उनको, चाहे मेरे चैनल पे हज़ारों कमेंट्स आ जाएं, लाखों कमेंट्स आ जाएं, ये मेरा कमेंट टॉप पे रहेगा। और मैं ज़रूरी नहीं कि इसे ही पिन कर सकता हूँ, मैं किसी और के कमेंट को भी पिन कर सकता हूँ। देखें ये, अगर मुझे किसी और का कमेंट बहुत पसंद आया है जिसने मेरी वीडियो वॉच की है, तो उसके कमेंट के भी मैं सेटिंग में जाके, ये देखें इधर से सेटिंग ओपन की, जाके ये पिन कर सकता हूँ। तो ये देखें, अब उसका कमेंट भी पिन हो गया। तो अब वो जो मैंने अपना कमेंट किया था पिन, वो ख़त्म हो गया। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, इसमें मैंने आपको सिखाया कि कमेंट को पिन कैसे करते हैं और अनपिन कैसे करते हैं। यूजुअली ये होता है कि कोई भी बंदा आपसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है, या वीडियो के नीचे आपकी कोई वो इस तरह का आंसर देता है कि जो आपको लगे आपके डाटे से रिलेटेड है, या आप लोगों को जिस तरह भी, ये मैंने इधर लिखा था थोड़ी देर पहले कि फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन इफ़ यू हैव, तो आप इस तरह का कोई कमेंट हो गया वो आप इसके नीचे पोस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर किसी बंदे ने आपकी वीडियो से रिलेटेड कोई अच्छी बात की है, तो आप चाहते हैं कि ये भी दूसरों तक पहुँचे, मेरे व्यूवर्स तक पहुँचे, तो आप डेफ़िनेटली आप उसे भी पिन कर सकते हैं। तो आप सिंपल जाके वो 3 आइकॉन बने होंगे साइड पे, उन पे क्लिक करें, उधर से पिन प्रेस कर दें, तो आपका कमेंट पिन हो जाएगा। तो अगर किसी ने YouTube स्टैटिक्स किया हुआ है डाउनलोड, तो YouTube स्टैटिक्स क्या होता है वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तो YouTube स्टैटिक्स अगर किसी ने डाउनलोड किया हुआ है, तो उसमें ये शो होगा जाके कि कमेंट आपका पिन है या नहीं है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको बताया कि कमेंट को पिन कैसे करते हैं और फर्दर उसका सब्सक्राइबर पे और व्यूज़ पे क्या असर पड़ता है। तो दोस्तों मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।